हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज की वीडियो में हम अपना सबसे पहले वाला टेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट इसको करेंगे। जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट का है? इसलिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव्स के क्या रूल्स हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें किसके साथ एस और ई एस लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना, इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। नंबर फर्स्ट, ही शी इट तथा सिंगुलर यानी कि एक वचन जब आ जाएंगे तो उस समय हमें वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है। सेकंड है आई, वी, यू, दे तथा प्रूलर यानी कि बहुवचन के बाद केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगाएंगे, आई वी यू दे तथा प्रूलर बहुवचन के साथ हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बेटा इन दो को हम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस लेती हूँ। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है वह पढ़ती है, ती है। इससे हमें पता चल गया कि ये मेरा प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। वह की शी, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। अब मैंने यहां पर एस लगा दिया, रीड्स। मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था? जब भी मेरा ही शी इट और सिंगुलर एक वचन आ जाएगा उस समय हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। तो शी आया था और मैंने यहां पर क्या लगा दिया? रीड्स कर दिया। सेकंड, वे सोते हैं। वे की इंग्लिश दे होती है, सोने की इंग्लिश स्लीप होती है। हमारे सेकंड रूल्स के अकॉर्डिंग आई वी यू दे तथा प्रूलर बहुवचन के बाद केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसलिए हम यहां पर एस और ई एस नहीं लगाएंगे। सेकंड, थर्ड, तुम आते हो। तुम की क्या होती है? यू। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। तो हमें क्या था? आई वी यू तथा प्रूलर के साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसीलिए हम यहाँ पर एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है बेटा हमारा फोर्थ सेंटेंस आता है, लड़का खेलता है। लड़के की इंग्लिश क्या होती है? बॉय। बॉय क्या है हमारा? सिंगुलर, इसीलिए खेलने की इंग्लिश प्ले होती है। हमने यहाँ पर एस लगा दिया, प्लेज कर दिया। सेकंड, उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के भी रूल्स हैं बेटा हमारे पास। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डू नॉट, डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है, लेकिन हमें डू नॉट कहाँ पर लगाना है, डज नॉट कहाँ पर लगाना है, इसके लिए भी हमारे पास रूल्स हैं। अगर मेरा ही शी इट और सिंगुलर यानी कि एक वचन आ जाएगा तो मुझे डज नॉट को यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरा आई वी यू दे और प्रूलर आ जाए तो मुझे डू नॉट को यूज करना है और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाना है।
जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह की ही डज नॉट जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल। सेकंड, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वे दे हो गया, प्रूलर के साथ मुझे क्या लगाना है, डू नॉट, डू नॉट पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, पुस्तक की बुक, फुल स्टॉप। सुमन पत्र नहीं लिखती है, सुमन सिंगुलर है, हमें सिंगुलर के साथ डज नॉट को यूज करना है, डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद आता है बेटा मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, कौन से सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, या जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस हैं। इंटेरोगेटिव में डू या डज सबसे पहले लगेगा, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या है, क्या वह स्कूल जाता है, वह था सिंगुलर था, डज लगा दिया, वह की इंग्लिश ही, जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल। बेटा इनको आपको जो रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, और ट्रांसलेशन आप खुद करोगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी और आपको अपना होमवर्क अपनी बुक में ही पेंसिल के साथ करना है। थैंक्स।